अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बागपत से गठबंधन प्रत्याशी और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन के दौरान जयंत चौधरी के साथ सपा और बसपा के कई नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जयंत चौधरी ने कहा कि राजनीतिक हालात को देखते हुए ये गठबंधन हुआ है और इस बार चुनाव में देश के मुद्दे रहेंगे। इसका कहने का मतलब ये था कि पार्टी से जो अनुशासित हमारे कार्यकर्ता हैं, इन परिस्थितियों को देखें, किन परिस्थितियों में चौधरी अजीत सिंह जी ने फैसला लिया, और वो इसमें अकेले नहीं है, अखिलेश जी ने भी यही फैसला लिया है, आदरणीय मायावती जी ने यही फैसला लिया है। तो राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हम तीनों पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके इस फैसले के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। अभी मैंने बताया चुनाव के जो मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे रहेंगे। गुड़गांव में एक परिवार पर हमला किया दबंगों द्वारा, बहुत दुखद घटना है। मैं अभी असारा में गया था तो इस विषय पे मैंने काफ़ी अपनी बात रखी थी। ये खतरनाक माहौल है और वो लड़का भी बागपत का ही है, हमारे ज़िले का ही लड़का था जो गुड़गांव किसी काम के लिए वहाँ गया था, और उसने खुद बताया, बयान किया कि ये मेरा घर है। तो क्या चुनाव का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सोचे ना, पब्लिक देखे चुनाव का क्या माहौल, उनका तो ये माहौल है, उनकी तो कोशिश है, उनकी साजिश है। किस आदमी ने, किस नेता ने इस भीड़ तंत्र को तैयार किया, भड़काया, नौजवानों के हाथ में तलवार और लाठी दी और उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम पहचान कर करके मारो। 5 साल पहले ऐसी घटनाएँ आम बात नहीं थी, ये एक साजिश है कि रोज़ इस तरह की जब घटना होंगी तो समाज अपने आप कहेगा अरे तो कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, रोज जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि यूपी में आरएलडी का सपा और बसपा के साथ गठबंधन हुआ है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।